हेलो एवरीवन, दिस इज़ आसिया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट अपडेट बट टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। इट मींस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एंड एक्सरसाइज 2.3 है। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट डिवाइड द पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ यू हैव टू सी योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स गिवन है, इट मीन्स आपके पास डिवाइडेंड गिवन है एंड जी एक्स इट मीन्स आपके पास डिविजर गिवन है। इन दोनों पॉलिनोमियल से आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इन ईच केसेस। आई थिंक देर आर 3 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स ट्राई। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है पी एक्स ऑलरेडी गिवन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड नाउ जी एक्स इज ऑल्सो गिवन, इट मीन्स डिविजन इज ऑल्सो गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये आपका डिवाइडेंट है एज यू नो और ये आपका डिविजर है। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इन ईच केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो नाउ यू हैव टू नो, आप जानते हो आपको किस तरीके से करना होता है, क्या प्रोसेस होते हैं इसके। हम ये डिविजर मेथड अप्लाई करते हैं, डिविजर ऑफ द पॉलिनोमियल, डिवाइडेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यही मेथड होता है। जो हमारा डिवाइडेंट होता है ये यहाँ होता है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 पी एक्स एंड और डिविजर इज हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, यही होता है। नाउ सबसे पहले आप क्या देखते हो, आपको ये देखना होता है जो हमारे पास डिवाइडेंट है। ठीक है, जो हमारे पास डिवाइडेंट है उसका जो फर्स्ट टर्म है एंड डिविजर का फर्स्ट टर्म, हमें डिविजर के फर्स्ट टर्म को डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाना होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है ना कि आप क्या करते हो, एक तो आप सिंपली ऐसे देखते हो कि ये इस एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इस एक्स स्क्वायर को अगर आपको क्या इस एक्स स्क्वायर को आपको एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इस एक्स स्क्वायर में आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये एक्स क्यूब में कन्वर्ट होगा। एक तो सिंपली ये है, आप ऑब्जर्व कर लेते हो, आप सोच इमेजिन कर लेते हो कि यस एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमको एक्स क्यूब मिल सकता है। बट इसका जो स्टेप वाइज, अगर आप स्टेप वाइज करते हो तो वो कभी गलत नहीं होगा। उसको हम इस तरीके से करते हैं, एक्स क्यूब को अगर आप डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका एक्स मिला। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसी एक्स से इसमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये एक्स क्यूब मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, और इसी एक्स का इस 2 में भी तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलता है माइनस 2x। ओके, अब आप देखते हो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस बोथ आर कैंसल, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमको चूँकि माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, कोई टर्म नहीं बचा हुआ है, तो 3x स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे हम राइट करेंगे और यहाँ पे 5x है एंड प्लस 2x है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा एंड माइनस 3 एज इट इज़ हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप था। अब हमारे पास जो डिवाइडेंट, जो नेक्स्ट डिवाइडेंट बना हुआ है हमारा, वो हमारा ये हो गया। अब हम इसके फर्स्ट टर्म को देखते हैं और डिविजर तो चेंज नहीं होगा, इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, इसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है। तो माइनस 3x स्क्वायर को आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर से जब आप डिवाइड करते हो तो यहाँ से आपको मिलता है माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 मिला यहाँ से आपको, इट मीन्स कि अब हमें इस डिविजर में माइनस 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर मिल गया यहाँ से एंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 वी गेट यहाँ पे हमको मिल जाएगा प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो कि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बोथ आर अगेन कैंसिल, प्लस 7x को हम एट इज राइट करेंगे, माइनस 3 एंड माइनस 6 यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 9। ओके, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था इस प्रोसेस को हम वहाँ स्टॉप करते हैं जहाँ पे हमें जब डिग्री ऑफ
रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर हो जाए. यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 1 है, बट डिग्री ऑफ डिविजर क्या है, 2 है. सो हम यहाँ पे इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन जो हमें मिला वो ये है, क्वेश्चन इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. और हमारा जो रिमाइंडर है वो है 7x माइनस 9. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल्स टू है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. इट मीन्स डिवाइडेंड गिवेन है एंड जो gx है, इट मीन्स जो डिविजर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x. ठीक है, नाउ वी हैव टू अप्लाई सेम प्रोसेस. ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, एज यू नो कि आप इस ये प्रोसेस यूज़ करते हो यहाँ पे, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये हमारा डिवाइडेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डिविजर हो गया. अब हमें देखना होगा कि हमारे पास जो डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 4 है, डिविजर का जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर स्क्वायर है. तो हमें इस डिविजर की जो पावर है, डिवाइडेंट के पावर की क्या मतलब, फर्स्ट टर्म दोनों का बोथ शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो या तो आप इमेजिन कर, मैंने बताया इमेजिन करके भी देख सकते हो कि जैसे एक्स स्क्वायर होता है, इस एक्स स्क्वायर को आपको एक्स की पावर 4 में कन्वर्ट करना है. तो इस एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स की पावर 4 में कन्वर्ट होगा. यस, एक तो ये प्रोसेस है, या तो आप स्टेप वाइज कर सकते हो कि इस डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म को, ये स्टेप वाइज होता है, डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, डिविजर की फर्स्ट टर्म से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलता है, विद साइन के साथ ही करते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर मिला. ये एक्स स्क्वायर जो है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स ये हमारे पास क्वेश्चन मिला ना, ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से अगर हम इस डिवीजन में मल्टीप्लाई करें तो हमको डिवाइडिंग का फर्स्ट टर्म मिल जाता है. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वी गेट एक्स की पावर 4, यही मिलेगा. एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 वी गेट प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब मिलेगा. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम फिर साइन को चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. ओके, सबसे पहले तो ये बोथ आर कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी होगी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इस यहाँ पे ये जो हमें जो टर्म्स मिल रहे हैं हमको यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स क्यूब भी मिल रहा है. इट मीन्स कि आपको पहले हायर डिग्री वाले टर्म को लिखना होता है. ठीक है, तो एक्स क्यूब को यहाँ पे हम पहले राइट करेंगे. ठीक है, तो और इसमें इस डिवाइडेंड में एक्स क्यूब का कोई टर्म है नहीं, है ना, यहाँ पे एक 4 था फिर स्क्वायर था, क्यूब का कोई टर्म तो है नहीं कि प्लस माइनस होगा. तो हम एक्स क्यूब को एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर देते हैं, विथ साइन, प्लस साइन है, प्लस साइन के साथ राइट कर देते हैं. अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस 3 माइनस स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे आप ये चीज़ भी देख सकते हो कि ये प्लस 4x एलटीज रहेगा एंड प्लस 5 एलटीज हम यहाँ पे राइट करेंगे. अब हमको जो नया डिवाइडेंड मिला है, हमारे पास जो नया डिवाइडेंड मिला है वो ये हो गया. अब इसका फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो एक्स क्यूब है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है. ठीक है, अब आप स्टेप टू में क्या करोगे, इसके फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर से इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे. या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस एक्स स्क्वायर को हमको क्यूब में कन्वर्ट करना है, इस एक्स स्क्वायर को हमको क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो इस एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. या आप स्टेप वाइज देख सकते हो कि डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइडर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो वी गेट एक्स, हमें एक्स मिला. इट मीन्स अब इस डिवाइजर में हम एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, विद साइन के साथ ही हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको एक्स क्यूब मिलेगा, इस एक्स का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे हमको एक्स क्यूब मिला. यस ऑफ कोर्स मिलेगा एक्स क्यूब. ओके, नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस एक्स का वन में मल्टीप्लाई होगा, आपको एक्स मिलेगा. ठीक है, इस एक्स का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर.
अगेन हम यहाँ पे हम साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, माइनस प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, बोथ आर कैंसिल, यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो टर्म आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये आपको मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे यही टर्म मिलेगा ना आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, माइनस थ्री एक्स मिलेगा एंड प्लस फाइव। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस फोर एक्स है, माइनस एक्स है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स साइन प्लस थ्री एक्स होगा। ओके, अब हमें नाउ हमें जो नेक्स्ट जो नया रिमाइंडर मिला है वो है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और डिविजर का जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है। इस माइनस थ्री, इस एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसको थ्री एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इस एक्स स्क्वायर में आप अगर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज़ कन्वर्टेड इन टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना। बट आप इस तरीके से भी स्टेप वाइज जब कर रहे हो तो आप थर्ड स्टेप ये यूज़ करोगे इस डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को, ठीक है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डिविजर के फर्स्ट टर्म से आप जब डिवाइड करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, माइनस थ्री मिलता है। ओके, तो यहाँ से इट मीन्स कि अब यहाँ पे आपका जो डिवाइड होगा वो माइनस थ्री से, क्वेश्चन जो नया मिला माइनस थ्री मिला, और इस माइनस थ्री का इस पूरे डिविजन में मल्टीप्लाई होगा। नाउ लेट्स सी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलता है। ओके, यहाँ पे माइनस थ्री प्लस वन वी गेट यहाँ पे आपको मिलता है, क्योंकि जो सेम पावर के जो हैं जो भी नंबर्स हैं उसको आप नंबर्स के सामने राइट करो, ठीक है। माइनस थ्री प्लस वन वी गेट यहाँ पे आपको क्या मिलता है, माइनस थ्री मिलता है, एंड माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स वी गेट माइनस थ्री एक्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, ऑफ कोर्स ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, एंड ये प्लस है और ये प्लस थ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मिलता है वो मिलता है एट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमाइंडर क्या है, या तो ये कंडीशन होती है ना, या तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए या रिमाइंडर की डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो ज़ीरो है, जो डिविजर की जो डिग्री है ऑफकोर्स वो ग्रेटर है। तो इस प्रोसेस को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन मिलता है इसका, क्वेश्चन जो मिलता है इसका, ठीक है, जो इसका जो क्वेश्चन मिलता है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस थ्री, एंड यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलता है, ठीक है, जो रिमाइंडर मिलता है हमको यहाँ पे क्या मिलता है, प्लस एट मिलता है। ओके, ये था इस सेकंड क्वेश्चंस का क्वेश्चन और रिमाइंडर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट लाइक सेम क्वेश्चन है कि आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे पी एक्स जी एक्स गिवन है, आपको डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट चेक whether द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है whether द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, क्या ये फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है क्या ये सेकेंड पॉलिनोमियल की फैक्टर है या नहीं है। आपको डिवाइड करके बताना, चेक करके बताना कि फैक्टर है या नहीं है। ओके, नाउ हाउ कैन यू चेक फैक्टर है या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए अगर आप पॉलिनोमियल दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद इट मींस कि पी एक्स को अगर आप जी एक्स से डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो हम बोलेंगे यस ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है आपका, सेकेंड क्वेश्चन में यही कह रहा है आपको चेक करना फैक्टर है या नहीं है। आपके पास दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक पी एक्स और दूसरा क्या जी एक्स गिवन है, ठीक है, मतलब डिवाइडेड और डिविजर गिवन है, आपको बताना है फैक्टर है या नहीं, ये दोनों पॉलिनोमियल फैक्टर हैं या नहीं है एक दूसरे के। तो फैक्टर का मतलब यही होता है कि जब आप दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो और आपका पॉलिनोमियल एग्जैक्ट डिवाइड होकर आपको रिमाइंडर ज़ीरो दे देती है तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल की, इट मीन्स पी एक्स जो है वो जी एक्स का क्या है, जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। नाउ लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट लाइक कि यहाँ पे आपके पास टी स्क्वायर माइनस थ्री एंड टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी एंड माइनस ट्वेल्व, ये है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे जो
जो पी एक्स है वो पी एक्स, इट मीन्स ये है हमारे पास 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 एंड जी एक्स इज ऑलरेडी गिवेन t² माइनस 3। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कैसे हम बताएंगे कि फैक्टर है या नहीं। मैंने बताया कि अगर आप डिवाइड करते हो जी एक्स को पी एक्स से और जब पूरा फुल डिवाइड ही पॉलिनोमियल हो जाती है और हमको रिमाइंडर जीरो मिल जाता है तो वी कैन से यस ये पॉलिनोमियल क्या है, एक दूसरे के फैक्टर है। मतलब जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। ओके, नाउ लेट्स सी। आप ये हम डिवाइडिंग मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोला है कि आपको डिवाइडिंग ही मेथड यूज़ करना है। 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। हमारे पास जो जी एक्स है t² माइनस 3 है। ठीक है, नाउ हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। स्टेप वाइज से आप जब करते हो तो वो कभी वहाँ पे आपका रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो डिवाइडेंड का फर्स्ट स्टेप है 2t4 है और डिविजर का फर्स्ट स्टेप है t², यही है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2t² मतलब जो नया क्वेश्चन आपको मिला डिवाइड करने पे 2t² मिला, इट मीन्स कि 2t² से हम इस डिविजर को क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2t² t² तो वी गेट हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 2t4 मिलेगा। फर्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म में भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2t² माइनस 3 तो 3 × 6 माइनस 6। ठीक है, माइनस 6t² यही होगा ना। अब यहाँ से ये प्लस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ऑफ़ कोर्स ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये बोथ आर कैंसिल, ऑफ़ कोर्स कैंसिल हो जाएंगे ना। ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्लस 3t³ मिलेगा और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 2t² प्लस 6t² तो यहाँ से आपको मिलेगा 4t² माइनस 9t माइनस 12। ओके, नाउ जो हमारे पास नया रिमाइंडर मिला है, हमको जो नया रिमाइंडर हमको यहाँ से मिल रहा है, जो हमें यहाँ से नया रिमाइंडर मिल रहा है वो ये है 3t³ प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो ये था, सेकंड स्टेप में अब हम इसके फर्स्ट टर्म को इस डिविजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखते हैं। या आप इमेजिन करके भी कर सकते हो वाला प्रोसेस कि इस t² को 3t³ बनाना है तो इस 3t² में हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3t³ बन जाए। ऑफकोर्स t² में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3t से तो ये 3t³ में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये आप स्टेप वाइज करते हो तो वो वहाँ पे कहीं कभी भी रॉन्ग होने की चांसेस नहीं होते हैं। तो 3t³ डिवाइडेड बाई फर्स्ट स्टेप t² है तो यहाँ से आपको मिलेगा 3t। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हमको मिल रहा है 3t। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 3t³। ठीक, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 × 3 = 9 माइनस 9t। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, बोथ आर कैंसिल, ऑफ कोर्स कैंसिल, तो 4t² मिला हमको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया माइनस 12। ठीक है, अब हमारे पास जो नया रिमाइंडर बचा हुआ है वो 4t² है। तो थर्ड स्टेप ये है कि इस 4t² को आप डिवाइड करते हो t² से तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है 4 विद साइन के साथ ही करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो नया क्वेश्चन है प्लस 4t² मिलेगा यहाँ से आपको और यहाँ से आपको मिलेगा 4 × 3 = 12 माइनस 12 मिलेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बोथ आर कैंसिल, यहाँ से हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। सो वी कैन से दैट येस जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ द पी एक्स। हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ से आप ऐसे इस तरीके से आप राइट करोगे, सिंस रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, हैंस t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ जो डिवाइडेंट है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, फैक्टर होने के लिए यस ऑफकोर्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एट इज़ है, x² प्लस 3x प्लस 1, एक पॉलीनोमियल जी एक्स गिवन है और एक पॉलीनोमियल पी एक्स गिवन है। आपको वहाँ पे भी दोनों पॉलीनोमियल को डिवाइड करके बताना होगा कि यस बोथ आर फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 आता है, ऑफ कोर्स रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके?